साइबर सिटी गुरुग्राम में जन सेवक क्रांति पार्टी द्वारा बैसाखी पर्व के अवसर पर पदाधिकारी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुँचे थे। पार्टी के सभी नेताओं ने नाच गाकर बैसाखी का पर्व सेलिब्रेट किया और साथ ही गुरुग्राम में होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अंकित अलग ने कहा कि जन सेवक क्रांति पार्टी सभी पर्व ऐसे ही धूमधाम से मनाती है और बैसाखी का पर्व तो खुशहाली समृद्धि का पर्व माना जाता है। इस पर्व को भी जन सेवक क्रांति पार्टी धूमधाम से मना रही है। आपको बता दें कि इस पर्व के मौके पर जन सेवक क्रांति पार्टी ने सीनियर सिटीजन लोगों की एक टीम भी तैयार की है जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगी। सर, आज 13 अप्रैल है और आज बैसाखी का जन सेवक क्रांति पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया है और आप देखेंगे पीछे बैकड्रॉप पे पदाधिकारी मिलन समारोह, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो समाज के हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं, आज हम सब ने क्योंकि वर्तमान समय में लोगों के पास सबसे बड़ी जो कमी है वो समय की है, तो हर त्यौहार की तरह हमने बैसाखी को भी आज मनाया और आज के दिन आज का दिन हमें एक चीज़ और याद दिलाता है कि हमारे जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, 3000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी शहीदी दी थी, तो उनको भी हमने आज याद किया, उनको नमन किया, तो मिलके हमने आज यहाँ पे बैठे हैं, एक दूसरे को जाना है, मिले हैं, तो ये आज आपके सामने कर तकरीबन आप देखेंगे 65 से ज़्यादा लोग पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम में और अलग अलग गुड़गांव के अलग अलग कॉलोनियों से हमारे पदाधिकारी हैं और अच्छी बात यह है कि हमारे हरियाणा के एक ज़िले दादरी से भी यहाँ पे लोग कुछ आए थे, तो सबने मिले हैं, अपनी अपनी बात रखी है, लोगों ने भजन गाए हैं, गीत गाए हैं, देशभक्ति के गीत गाए हैं, कविता सुनाई है और एक दूसरे को जाना है, पहचाना है। देखिए, जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता का होना ज़रूरी है और आंगन में एक वृक्ष का होना ज़रूरी है, तो समाज में हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनके आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है, उनसे उनका मार्गदर्शन लेना भी ज़रूरी है। तो आज हमने 13 अप्रैल के दिन अपना एक सीनियर सिटीजन सेल यानी कि वृद्ध प्रकोष्ठ हमने शुरू किया है, जिसमें आज हमारे काफ़ी बड़े बुज़ुर्गों ने पार्टी को ज्वाइन भी किया है और इस प्रकोष्ठ में अभी आज तकरीबन 15-16 बुज़ुर्ग आज जुड़े हैं गुरुग्राम विधानसभा के लिए, जो हमें गाइड करेंगे, जो हमें बताएंगे, क्योंकि उनको अनुभव ज़्यादा है तो हमें मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है, तो बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी चाहिए। तो आज 15 से ज़्यादा लोग नहीं, देखिए ये दृष्टिकोण हो सकता है मीडिया का या परसेप्शन हो सकता है एक दूसरे व्यक्ति का, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर देखा होगा, हमने हर त्यौहार को सेलिब्रेट किया है। पीछे हमने लोहड़ी मिलन समारोह आयोजित किया था, होली मिलन समारोह आयोजित किया था, आज बैसाखी मिलन समारोह भी आयोजित किया है, तो ऐसा कोई चुनावी रणनीति नहीं है, सिर्फ आपस में प्यार बांटना है, त्यौहार है। वहीं इस मौके पर जन सेवक क्रांति पार्टी के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे विक्रांत मक्कड़ ने कहा कि गुरुग्राम दादरी से जन सेवक क्रांति पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए थे, सभी अपना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। इसके अलावा विक्रांत मक्कड़ ने कहा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है और सभी पार्टियां सोशल मीडिया सेल आईटी सेल बनाते हैं, हमें भी जानकारी चाहिए, इसलिए हमने सीनियर सिटीजन की टीम तैयार की है ताकि हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल सके। देखिए, जैसा अभी अध्यक्ष साहब ने बताया, आज 65 से 70 हमारे गुरुग्राम विधानसभा के अलग अलग कॉलोनियों के यहाँ पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं। इसके अलावा दादरी से भी 4-5 पदाधिकारी हमारे बीच आए हैं आज, क्योंकि मिलन समारोह था पदाधिकारियों का और सबने एक दूसरे से मिल करके जाना, समझा, संगठन की शक्ति को पहचाना और इसी तरीके से कार्यक्रम चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम दूसरी ब्रांडेड पार्टीज़ को देखते हैं तो वो सोशल मीडिया सेल बनाते हैं, आईटी सेल बनाते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं और चीज़ें करते हैं, लेकिन देखिए हम नए हैं तो हमें अनुभव की ज़रूरत है। हमने गुड़गांव को गुरुग्राम बनते देखा है, लेकिन उन्होंने हरियाणा को बनते भी देखा है, तो उनके अनुभव हमारे काम आएगा, उनका आशीर्वाद हमारे काम आएगा। वो अध्यात्म से जुड़े हैं, इस धरती से जुड़े हैं, इस हरियाणा से जुड़े हैं, इस हरियाणा की मिट्टी से जुड़े हैं, तो वो अगर हमें आशीर्वाद देंगे, अपने अनुभव को इसमें लाएंगे, उनके साथ और लोग भी इसमें जुड़ेंगे इस यात्रा में, तो ज़रूर रिजल्ट अच्छे ही निकलेंगे। आपको बता दें कि जन सेवक क्रांति पार्टी द्वारा बैसाखी सेलिब्रेशन से पहले जलियांवाला बाग में शहीद हुए सभी लोगों के बलिदान को याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज़।